दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टैटिक आईपी द्वारा किसी भी डिवाइस को कैसे असाइन किया जाता है। दोस्तों मेरे पास स्टैंडर्ड राउटर है, मैं स्टैटिक आईपी द्वारा अपने स्टैंडर्ड राउटर को इंटरनेट की सेटिंग करूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, इसको मैन्युअली हम लोग अपने डिवाइस में असाइन करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास स्टैंडर्ड का राउटर है, राउटर के पीछे एक रीसेट का बटन है। सबसे पहले अपने हम राउटर को रीसेट कर लेंगे, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 10 सेकंड तक। जब 10 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे इस डिवाइस पर एक साथ सारी बत्तियां ग्लो होगी। तो हमको समझ जाना है कि हमारा टेंडर राउटर जो है रीसेट हो चुका है, एक साथ ग्लो हो गई, इसका मतलब हमारा टेंडर राउटर जो है रीसेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी रीसेट कर लेना अपना डिवाइस। मेरे पास स्टैंडर्ड राउटर है, मैं इस पे ISP के द्वारा दी गई स्टैटिक आईपी को कॉन्फ़िगर करूंगा और राउटर के पीछे लिखा होता है लॉगिन आईपी एड्रेस। इस लॉगिन आईपी एड्रेस से हम इस राउटर को लॉगिन करेंगे। 192.168.0.1 है मेरे राउटर का लॉगिन आईपी एड्रेस। हर एक राउटर के पीछे लिखा होता है उसका लॉगिन आईपी एड्रेस। चलिए अब ले चलते हैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट कर लूँगा। अगर वाईफाई से हमारा लैपटॉप कनेक्ट है तो वाईफाई से, अदरवाइज़ लैन से, हमने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों जैसे ही वाईफाई ऑन करेंगे टेंडा के नाम से आ जाएगा, हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद किसी भी वेब ब्राउज़र पर जाके अपने राउटर का लॉगिन आईपी एड्रेस डालेंगे। हम गूगल क्रोम में जा रहे हैं ओपन करने, तो गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर डालेंगे अपने राउटर का लॉगिन आईपी एड्रेस जो कि 192.168.0.1 है, उसके बाद करेंगे इंटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखेगा PPPoE डायनेमिक और स्टैटिक। चूँकि हमने अपने ISP द्वारा ले रखा है तो स्टैटिक आईपी पर क्लिक करेंगे। ISP उसे कहते हैं जिससे हम इंटरनेट की सर्विस लेते हैं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो उसने मुझे यूनिक आईपी एड्रेस दिया है, इसको हम मैन्युअली यहाँ पर टाइप करेंगे, मैन्युअली असाइन करेंगे। तो 192.168.1.2 जो कि हमारे ISP ने मुझे दिया है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक दूसरा होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस जो कि DHCP द्वारा असाइन किया जाता है, वो चेंज होता रहता है, मगर ये स्टैटिक आईपी चेंज नहीं होता है, इसको हमें मैन्युअली असाइन करना पड़ता है अपने डिवाइस में। उसके बाद सबनेट मास्क डाल देंगे 255.255.255.0, डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल देंगे 192.168.1.1, उसके बाद हम प्रेफर्ड DNS डाल देंगे 8.8.8.8। तो दोस्तों आप इस तरीके से साइन करिएगा। अगर आपको भी आपका ISP स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करता है, उसके बाद अल्टरनेट DNS डाल देंगे। वाईफाई का नेम जो भी रखना चाहते हैं अपने वाईफाई के नेम रख लेंगे अपनी इच्छा अनुसार, मैं एग्जांपल तौर पर रख रहा हूँ। मैंने अपने वाईफाई का नेम कुछ यूनिक सा देता हूँ, स्टैटिक आईपी कैसे सेट करें। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे पास स्टैंडर्ड का राउटर है, लगभग प्रोसेस सेम होता है हर एक डिवाइस में, हर एक राउटर में। तो बस आगे पीछे ऑप्शंस होते हैं, आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे पास टेंडा का राउटर है तो मैंने टेंडा के राउटर में इस तरीके से कुछ कॉन्फ़िगरेशन की स्टैटिक आईपी को। हमारे ISP ने हमें स्टैटिक आईपी दे रखा, मैंने इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर ली। आप भी इस तरीके से करिएगा। वाईफाई का पासवर्ड जो रखना चाहते हैं वाईफाई का पासवर्ड रख लेते हैं, उसके बाद कर देंगे ओके। तो दोस्तों ओके करने के बाद क्या होगा कि हमारा वाईफाई जो एक बार डिसकनेक्ट हो जाएगा, उसको हमको फिर से कनेक्ट कर लेना है। हमने ओके किया, हमारा वाईफाई डिसकनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर फिर से कनेक्ट कर लेते हैं अपने वाईफाई को। क्योंकि हमने अपने वाईफाई का नाम रखा था स्टैटिक आईपी कैसे सेट करें, वाईफाई को ऑफ करके ऑन करके एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। और दोस्तों ये देखिए वाईफाई का नेम आ गया, स्टैटिक आईपी कैसे सेट करें, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई का पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों हमारा जो है वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ चुकी, कनेक्टेड आ गया है। अब हम विंडो खोल करके चलिए स्पीड टेस्ट कर लेते हैं अभी कितनी स्पीड आ रही है। चूँकि सिंगल बैंड राउटर है मेरा और
40-45 के आसपास मुझे स्पीड मिल जानी चाहिए आई होप। तो स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अभी से मुझे स्पीड मिल रही है 42 Mbps, 43 Mbps, वाईफाई पे मिल रही है दोस्तों। तो डिपेंड करता है डिवाइस पे, अगर आपका डिवाइस जितना अच्छा होगा आपको स्पीड उतनी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ आपका प्लान भी ज़्यादा होना चाहिए तो ज़्यादा स्पीड मिलेगी। दोस्तों मेरा प्लान है 50 Mbps का, मैंने अपने इंटरनेट ISP द्वारा लिया है 50 Mbps का, तो 48 Mbps की स्पीड आ रही है। डाउनलोडिंग की स्पीड 48 Mbps आ रही है और अपलोडिंग की स्पीड भी 48 आ रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको हम चेक करके दिखा देते हैं कि जो भी मैंने सेटिंग की है अपने राउटर में, स्टैटिक IP डाला है, सही है कि नहीं। इंटरनेट चल गया है, बट एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। अपने नया विंडो खोल लूँगा, 192.168.0.1 डाल लूँगा राउटर की लॉगिन IP एड्रेस, उसके बाद इंटरनेट सेटिंग पे जाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं जो भी मैंने सेटिंग की थी स्टैटिक IP में जाके, इस स्टार्टिंग में सब कुछ वही है। स्टैटिक IP डाला था, सबमिट मास्क डाला था, गेटवे डाला था, DNS डाला था। इस तरीके से आप भी दोस्तों स्टैटिक IP के द्वारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने डिवाइस में असाइन कर सकते हैं स्टैटिक IP को। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।